भास्कर चौक जी, क्या है मामला? आप जो शिकायत कर रहे हैं जिला विकास अधिकारी से? मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय को शिकायत करने जा रहा हूँ। जिला पंचायत देहरादून द्वारा जो विकास नगर के विकासखंड के डाकपत्थर जीवनगढ़ जिला पंचायत क्षेत्र में जो अनुबंध हुए, हमने इनकी एक सूची मांगी थी और उन अनुबंधों में एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे सामने आया है और वो घोटाला इतना बड़ा दिख रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। 68 अनुबंध हमें मिले हैं, हमने रैंडम चेकिंग की है, सिर्फ चार को हमने देखने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या काम हुआ, कैसा हुआ। आप हैरान हो जाएंगे जान के कि हम जब इन चार जगह पर गए, ये अनुबंध है भीमदत्त पुत्र श्री परमानंद, ठेकेदार हैं खमरौली कालसी के, ये इन्होंने 8.5 लाख रुपए की लागत का एक अनुबंध किया था संजय थापा के घर से गुलशन नंदा आदि के घर तक सीसी मार्ग बनाने का। ये अनुबंध हुआ था 15 जुलाई 2019 में और ये कार्य इस अनुबंध के अनुसार 15 सितंबर 2019 तक पूरा होना था, यानी कि 3 महीने में पूरा होना था। ये आप हैरान रह जाएंगे जान के कि 2021 चल रहा है और अब से ठीक एक हफ्ता पहले शुक्रवार को ही जब हम संजय थापा के घर से गुलशन नंदा के घर तक इस मार्ग को देखने के लिए गए तो वहाँ पे बजरी तक नहीं पड़ी हुई थी, वहाँ पे ये सड़क थी ही नहीं जिसकी लागत 8.5 लाख रुपए है। प्रश्न ये उठता है कि क्या इस 8.5 लाख रुपए में कुछ भुगतान ठेकेदार को हुआ है या नहीं हुआ, और यदि भुगतान हुआ तो वो कौन सा जेई था, कौन सा अधिकारी था जिसने इसका सर्वेक्षण किया और भुगतान की संस्तुति की, और यदि भुगतान नहीं हुआ तो ये सड़क मंजूर क्यों की गई, इसका अनुबंध क्यों किया गया। ये एक मामला नहीं है, और भी हैं। यहाँ पे एक राजबब्बर जी की सांसद निधि से लगभग 10 लाख रुपए की लागत से शक्ति विहार में एक सड़क बनी अप्रैल 2020 में, जिससे में कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था। 11 मई को अप्रैल में सड़क बन चुकी, लेकिन 11 मई को एक अनुबंध होता है जिला पंचायत की तरफ से ठेकेदार के साथ, और ये दूसरा ठेकेदार है कोई, तो इस ठेकेदार का अनुबंध होता है लगभग 3 लाख रुपए की लागत का, और जब वो सड़क पहले से बनी हुई है तो वहाँ पे ठाकुरदास मस्त के घर से स्कूल तक का अनुबंध 3 लाख रुपए का कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है पहले से बनी हुई सड़क का अनुबंध होना। फिर बाद में सफाई दी जा रही है इन ठेकेदारों की तरफ से जिला पंचायत के अधिकारियों के द्वारा कि हमने ये योजना परिवर्तित कर दी। अरे अगर आपने योजना परिवर्तित करी तो सवाल हमारा ये है कि कौन जेई था, कौन अधिकारी था जिसने सड़क का अनुबंध करने में सहायता दी, जिसने कहा कि हाँ यहाँ सड़क बननी चाहिए, जो कि सड़क अप्रैल में पूरी हो गई थी। प्रश्न ये उठता है किसने करा अनुबंध, ये क्यों करा अनुबंध ये, जब वो सड़क बनी हुई थी। आपने योजना परिवर्तित करने की बात कही तो योजना परिवर्तित करने के लिए जिला पंचायत का एक रोल होता है, एक बैठक होती है, बैठक में प्रस्ताव होता है कि यहाँ पहले सड़क बनी, गलती से अनुबंध हो गया, दूसरी जगह परिवर्तित कर दी जाए। क्या ये बैठक हुई जब 11 मई को पूरा देश लॉकडाउन था, सारे सरकारी कार्यालय बंद थे, तो 11 मई को ये आखिरकार अनुबंध हो कैसे गया, प्रश्न ये उठता है। और भी मामले हैं, रमजान की डेयरी से बननी थी सड़क 3 लाख रुपए की लागत से, वो सड़क जो है गायब है, वो सड़क नहीं बनी है। इसके अलावा आपका नवाबगढ़ में सुलेमान के घर से अब्दुल रज्जाक के घर से सुलेमान तक के घर तक सड़क बननी थी, वो सड़क नहीं बनी है। ये सब के सब मामले जो है, एक राजबब्बरी सांसद दीवाल छोड़ के, ये बाकी सब के सब मामले जो हैं 2019 में कंप्लीट होने थे, जो कि 2021 में भी आज तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। हम मुख्य विकास अधिकारी महोदय को इस पूरे प्रकरण की शिकायत करने जा रहे हैं। अभी तो 4 अनुबंध है, अभी तो हमने 4 का रैंडम सर्वेक्षण किया, अभी 64 बाकी हैं, अभी हम देखेंगे कहाँ क्या स्थिति है। मुझे तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है, ये जिला पंचायत के घोटाले हैं, और मैं जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदय से, जो कि हमारे स्थानीय विधायक की पत्नी भी हैं और अपने आप में एक बहुत बड़े नेता मानी जाती हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, मधु चौहान जी से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से निवेदन करता हूं, मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर पर संज्ञान लेकर इस प्रकरण की जाँच कराएं, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसमें जो जेई दोषी हो, जो अधिकारी दोषी हो, जो अपर मुख्य अधिकारी यदि दोषी है तो वो हो, या जो जिला पंचायत सदस्य या जो ठेकेदार दोषी हो, इन सब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, और यदि इसमें भुगतान हुआ जो काम हुए ही नहीं, तो इन सब ठेकेदारों को भी अधिकारियों को भी जेल के सींचों के पीछे भेजने का काम जिला पंचायत के अध्यक्षा महोदय को अपने स्तर से संज्ञान लेके करवाना चाहिए। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई? देखिए, अभी तो हम मुख्य विकास अधिकारी महोदय को शिकायत कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे वहाँ जांच जल्दी, और इसकी प्रतिलिपि हम प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को भी करेंगे, और यदि प्रदेश सरकार से, जो जीरो टॉलरेंस खुद को बताते हैं, कार्रवाई इसमें 1.5-2 महीने के अंदर नहीं होती, तो हम
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण की पीआईएल लेकर जाने को बाध्य होंगे। हम पीआईएल दायर करेंगे और इसमें कार्रवाई निश्चित रूप से हम कराएंगे। ये ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होने चाहिए और ये जो जिला पंचायती कार्य प्रणाली है ये सुधरनी चाहिए।